नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉटच्या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये मी नम्रता गायकर आपलं सर्वांचं स्वागत करते. चला तर पाहूया आजची महत्त्वाची बातमी. कल्याण गोविंदवाडी येथील 100 वर्षांहून जुनी वीर जमीन दोस. कल्याणच्या गोविंदवाडी ह्या मुस्लिम बहुल वस्तीत सुमारे 300 ते 400 घरं असून 600 अधिक कुटुंब मागील 50 ते 60 वर्षापासून पागडी पद्धतीच्या घरामध्ये वास्तव करत आहे. या नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी मध्यवर्ती भागात विहीर होती. या विहिरीतील गाळ काढून आजूबाजूचे नागरिक या विहिरीच्या पाण्याचा पिण्यासाठी आणि इतर कामांसाठी वापर करत होते. या भागात पालिकेची पाण्याची टाकी नसून नळाचे कनेक्शन देखील नाही. आता मात्र जमिनीचे भाव धरावल्याने जागा मालकाने ह्या वस्तीला पिण्याचे पाणी देणारी इतिहासकालीन विहीर माती कचरा टाकून ही विहीर बुजवली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या त्रासात भर पडली आहे. आता विहिरीच्या जागेवर जागा मालकाला इमारत बांधायची असून यासाठी पालिकेकडे त्याने रीतसर परवानगी मागितली आहे. मात्र इतिहासकालीन विहीर बुजवून इमारत बांधण्यास परवानगी न देता विहीर सुरक्षित ठेवली जावी, ज्यामुळे आजूबाजूच्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळेल आणि नैसर्गिक जलस्रोताचे संवर्धन होऊ शकेल अशी मागणी करत स्थानिक नागरिक इक्रम जाफरी यांनी 3 दिवसांपासून पालिका मुख्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. आपण मागील 3 वर्ष ही विहीर वाचावी यासाठी पालिकेकडे पाठपुरावा करत असून प्रशासनाकडून केवळ आश्वासन देत विकासकाची पाठराखण केली जात असल्याचा आरोप जाफरी यांनी केला आहे. यामुळे जोपर्यंत विहीर परत मिळत नाही तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मेरा नाम इकराम जाफरी है, मैं कल्याण के गोविंदवाड़ी एरिया में रहता हूँ. मेरे घर के सामने पिछले 100 साल से एक कुआं था, काफ़ी सालों से हम उसका पानी यूज़ कर रहे थे. 2018 में वहाँ के रहने वाले बिल्डर जिसका नाम सैयद अफसर इसार हुसैन उर्फ अफसर और उसके बेटे जैन जिया ने कुआं बुझाने की कोशिश किया. तब मैंने वार्ड अधिकारी को कंप्लेंट किया तो वार्ड अधिकारी के और उपोषण का नोटिस दिया. जब मैं उपोषण में बैठा तो वो लोग ने कुआं बुझाने का काम रोक दिया. उसके बाद जब मैंने वापस से उनको नोटिस दिया कि सर ये लोग ने कुएं में कचरा डाल दिया है, इसको पॉल्यूटेड कर दिया है, हम इतने साल से इसका पानी यूज़ कर रहे थे, हमें वो पानी का प्रबंध किया जाए, तो उन्होंने पानी का प्रबंध तो नहीं किया और ना ही कुआं खोदा और ना ही कुआं तोड़ने के ऊपर उनके ऊपर FIR करी. ये बात तब हुई थी जब वहाँ के वार्ड अधिकारी मिस्टर कुलकर्णी थे, विनय कुलकर्णी. उन्होंने मुझे लिखित में आश्वासन दिया था कि हम 8 दिन के अंदर कुआं खोद के दे देंगे. आज उस बात को 2 साल हो गए. आज जब मैं उपोषण पे बैठा हूँ, आज मेरा 4th दिन है उपोषण का, लेकिन अभी तक मुझसे कोई वार्ड अधिकारी बात करने को नहीं आया. यहाँ तक कि मिस्टर भांगरे भी एक बार मुझसे बात करने को नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की कि हाँ उस पर कंप्लेंट करेंगे, वो उपोषण तोड़ दिया है, उसने इतना सारा गंदा कचरा उसके अंदर डाल दिया है. अब 4th दिन के बाद भी मुझसे कोई बात करने यहाँ नहीं आया है. मेरी सिर्फ इतनी ही मांगनी है कि इतने सालों से हम कुएं का पानी यूज़ कर रहे थे, वो कुएं का पानी हमें वापस दिया जाए. हमारे मोहल्ले में गवर्नमेंट की बनाई कोई पानी की टाँकी नहीं है. हम वो पानी का टानी उस कुएं का पानी पीते भी थे और बुरे वक्त में जैसे गर्मियों में हमें उसी कुएं पानी का इस्तेमाल भी हमको निर्भर रहना पड़ता था आसपास के मोहल्ले वालों में. वो आरोपी लैंडलॉर्ड है इसलिए उसे सब डरते हैं. मेरी सिर्फ इतनी फरियाद है कि वो कुछ ना करें, हमें कुआं खोद के दे दें. ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का. ब्यूरो रिपोर्ट, कल्याण, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज. वेळ झाली आहे इथेच थांबायची. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रासह. तुर्तास धन्यवाद.